इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद इरमाए आज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर्म SMF 2022 ना 24मा वार्षिक सम्मेलन नो उद्घाटन कर्यु। मैं उमाकांत दास, डायरेक्टर ऑफ इरमा। इस बार हमारा ये इरमा में 24th कन्वेंशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम का हो रहा है, जिसमें 150 पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट्स आए हैं, जो भारत की डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन से भी आए हुए हैं, जो 105 पेपर्स प्रेजेंट करेंगे 2 दिन में। इसमें हमारा जो है कैसे स्ट्रेटेजी बनेगा, जो कि पोस्ट पैंडमिक एरा में जो ऑर्गेनाइजेशन को हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, सबसे हमारा आत्मनिर्भर भारत को कैसे स्वीकार होगा एंड सार्थक होगा, उस बारे में हमारा चर्चा होगा। काफ़ी लोग का काफ़ी एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, IIM डायरेक्टर्स आए हुए हैं, जो हमारा 3 दिन में डिस्कशन होगा, कॉन्क्लेव भी होगा एंड मैनेजमेंट जो स्टडीज़ है उसको कैसे क्वालिटी उसका इम्प्रूव करेंगे, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होगा कंट्री को, वो सब भी डिलीवरेशन होगा नेक्स्ट 2 दिन में। ओके, डॉक्टर भीमराय मित्री, चेयरपर्सन SMF स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फोरम, डायरेक्टर IIM नागपुर। ये SMF फोरम जो है 1997 में शुरू किया है। पर्पज़ इसका शुरू करने का ये है कि इंडिया में ऐसी स्ट्रेटजी बनना चाहिए, भारत देश जो है आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए एंड इंडिया का जो स्ट्रेटजी है पूरा दुनिया में उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसके लिए 1997 से सतत हम कोशिश करते हैं, हर IIM में ये प्रोग्राम होता रहता है एंड पहली बार हमने इरमा में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एनुअल मीट कर रहे हैं। तो इसका बिकॉज आनंद, जैसा डॉक्टर सुधी साहब ने बोला कि आनंद इज अ लाइव एग्जाम्पल रोल मॉडल एज पर स्ट्रेटजी इज कंसर्न फॉर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी इन इंडिया। तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम हम करते रहते हैं। आजकल दुनिया बदल रहे, तेज़ी से बदल रहे, सो ऐसे टाइम में हमारा स्ट्रेटजी जो ऐसे होना चाहिए कि भारतीय, हर भारतीय रिलीवेंट, जो चेंजिंग वर्ल्ड के साथ वो रिलीवेंट होना चाहिए, इसलिए ये फोरम से ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। एंड हमारा ये प्रोग्राम का फाउंडिंग जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर ए सहाय, करंटली सेक्रेटरी जनरल है, वो आपको 4 शब्द इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं स्ट्रेटजिक फोरम ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो एनुअल कन्वेंशन एक ऐसी शहर में रखी जो भारत के लिए जन्मभूमि है, एवरग्रीन और काफ़ी रेलेवेंट स्ट्रेटजी भारत को देने के लिए। और 75 साल पहले एक स्ट्रेटजी जो आनंद में श्री वल्लभ भाई पटेल ने दी थी कि भारत को दूध में आत्मनिर्भर बनना है और किसानों के लिए जीविका का साधन गांव में रहना है, वो पूरे विश्व में फेमस हुआ। और आज इस फोरम में जो भारत के सब माने हुए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट आए हुए हैं पूरे इंडिया से, मैं ये कहूँगा कि आप जब भी कोई स्ट्रेटजी करें उसमें ये देखें कि इसमें जो आम भारत और रूरल इंडिया, उसमें इसके जो हमको लाइवलीहुड और जीविका और जो आत्मनिर्भरता भारत जो हर क्षेत्र में करना चाहता है, उस स्ट्रेटजी को जो भी आप स्ट्रेटजी में वो कैसे मीट करें। और स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि चेंज भी हो और जो बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आपके गोल्स हैं उसको भी ज़्यादा चेंज नहीं किया जाए और लंबे टाइम तक और एजलेस रहे। ग्रुप, मैं अरुण आदित्य सहाय हूँ, सेक्रेटरी जनरल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फोरम का। इस बार हम लोगों को बहुत बड़ा सुअवसर मिला इरमा में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का, और हम तो पहले ये सोचते थे कि हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में विद्वान हैं, लेकिन यहाँ आकर के हमें बहुत सीखने का मौका मिला। सिर्फ हम लोग नहीं, पूरी कम्युनिटी को सोधी साहब ने जो ज्ञान दिया और जो वो दूध से स्ट्रेटजी कैसे हो सकता है, उन्होंने सारी तरह की स्ट्रेटजी की बात करी, कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, फंक्शनल लेवल, सप्लाई चेन, मार्केटिंग,
टेक्नोलॉजी स्ट्रैटी के बारे में बहुत बड़ी बात करी, तो हमें यहाँ बहुत सीखने को मिला और यहीं से हमारा जो एक अभियान शुरू हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1946 में जो कहा कि भाई आपको अगर देश को आगे बढ़ाना है तो किसानों को आगे बढ़ाना है, लोकल काम करना है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, सीखते हैं और यहाँ के हर पेड़ में, हर पौधे में, हर व्यक्ति में हमें नज़र आता है देश की सेवा के लिए और उसको कैसे किया जाए। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हम कहीं जाना चाहते हैं तो कैसे वहाँ पहुँचें। जैसे स्वतंत्रता में हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, कैसे स्वतंत्र हो, तो गांधी जी ने स्ट्रैटेजी दी। उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी? कोई आंदोलन, कोई वायलेंस नहीं करना है, पीस से हमें करना है। यहाँ की जो स्ट्रैटेजी है कि हमारा सब फार्मर का इनकम बढ़ाना है, सब कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना है, यही एक स्ट्रैटेजी का तरीका है। ये कि वैल्यू फॉर मनी फॉर एवरीवन, दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी एंड वैल्यू फॉर मेनी, मतलब बहुत लोगों के लिए ये वैल्यू दे। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ आकर के हम लोगों को भी सीखने मिली और इरमा के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं और ये इनके हमारे उमाकांत जी के लीडरशिप में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और सोदी साहब का क्या कहना, वो तो देश विदेश सब जगह जहाँ भी जाते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें हमको स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलता है। सब्जेक्ट मैटर भले उनका दूध हो बट उससे भी वो हर डायरेक्शन की स्ट्रैटेजी निकाल के बताते हैं और इससे सबका ज्ञानवर्धन होता है, इससे हम देश की तरक्की में हम सहभागी हो सकते हैं और ये हमें बड़ी बहुत भारी सीख मिली है और हम आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।